वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ कॉलेज मेरठ के हॉस्टल को साजिशन खाली कराकर बंद करने व उसकी संपत्ति को व्यापारियों को बेच देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए आज एक बार फिर छात्रों ने कॉलेज में हंगामा किया। प्राचार्य द्वारा यह कहे जाने पर ही है कि मामला उनके हाथ में नहीं है, छात्र कक्ष में ही धरना देकर बैठ गए। यहाँ शोर शराबे के बीच कॉलेज प्रशासन व प्रबंध तंत्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके चलते वहाँ घंटों हंगामे के हालात बने रहे। देखिए इस बारे में छात्र नेता ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका और क्या पता? मेरा नाम विजित तालियाना, मैं एमए सेकंड ईयर का छात्र हूँ। क्या मांग है भैया आपकी? मांग हमारी साहब छात्रावास की है। पिछले कई सालों से कोरोना काल से इन्होंने कोरोना काल का बहाना देकर छात्रावास को बंद कर दिया था, जबकि कोरोना काल को बंद खत्म हुए भी साल भर हो चुका है और लगभग मेरठ के या आसपास के पीजी ले लो, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल ले लो, आरजी कॉलेज के ले लो, सभी हॉस्टल खुल चुके हैं, लेकिन इनकी मंशा कोरोना काल का बहाना बना के हॉस्टल को परमानेंट बंद करके उसको बेच देने की है। आपको ज्ञात भी होगा पहले एक यहाँ पे हीरा स्वीट रेस्टोरेंट बना हुआ है, वो भी इन्होंने इसी तरीके से बंद करके अब वहाँ पे रेस्टोरेंट बनवा दिया, वही इनकी अभी मंशा है। कौन सा हॉस्टल है भैया? बीएनएम हॉस्टल है। और आज प्रिंसिपल से मिले हो तो क्या सुन दिया आपने? प्रिंसिपल ने शाम 5 बजे तक का समय मांगा है, उसके बाद छात्र आगे की अपनी राजनीति स्टार्ट करें। अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो आगे क्या राजनीति रहेगी? आंदोलन चलेगा। अब देखिए हॉस्टल जो है कोरोना काल से ही शासन ने बंद किया और बंद ही चल रहा है अभी, और हॉस्टल की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी की व्यवस्था भी सब ठप है, और मुझे लगता है काफ़ी अब देखना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें नए सिरे से उसको ठीक कराना होगा। हो सकता है कि उसकी छतें वगैरह भी ख़राब हो गई हों, दीवारें ख़राब हो गई हों, तो वो सब के मरम्मत कराने पड़ेंगे और उसमें समय लगेगा। और बाकी तो हमारे हॉस्टल जो थे पहले के, वो सब तो जर्जर होकर के ध्वस्त हो गए हैं और रहने लायक नहीं हैं। तो इस परिस्थिति में जो है हॉस्टल को पहले देखा जाएगा और जो भी संभव होगा छात्र हित में किया जाएगा। बड़ी बात तो कोई हादसा ना हो, हादसा हो गया तो किसी बच्चे के साथ या कुछ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। और संस्था का उद्देश्य होता है छात्र हित, और हर प्रकार के उसके हित की सुरक्षा संरक्षा के लिए संस्था बनती है, और उसको किया जा रहा, प्रयास किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या स्थिति है छात्रावास की, रहने लायक किस पोजिशन में है, उसको रिपेयर कराने में कितने बजट लगेंगे, बजट भी तो देखना पड़ेगा कि ज़्यादा अगर बजट है उसको अब हम लिखवाते हैं तो उस बजट का हमारे पास कोई प्रावधान है कि नहीं, फिर बजट की व्यवस्था करना, क्योंकि हॉस्टल जब पूरी तरह से बच्चों के रहने लायक हो जाएगा तभी तो उसे अलाट किया जा सकता है। आज अलाट कर दें, कल को कोई हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, तो फिर आप जानते हैं कि स्थिति दूसरी हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।